चलो बात कर लेते हैं देवारा के सेकंड ट्रेलर के बारे में, जिसे देवारा रिलीज ट्रेलर का नाम दिया गया है। मूवी मिलने वाली है 27th ऑफ सितंबर को। फर्स्ट ट्रेलर मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा, लेकिन हाँ सेकंड ट्रेलर प्रॉमिसिंग है, ऑसम है, क्योंकि इसमें अधिकतर साउथ का वही मिंट दिखाने की कोशिश करी है जो एक्चुअल जनता को पसंद है, मास एक्शन एंड वो हीरो की हीरोइज्म वाला पार्ट, ना कि समुद्री VFX एंड CGI का सीन, क्योंकि बाबा ये फेड कर रहा है ट्रेलर को और मूवी को भी, जो बहुत हद तक पकड़ में आ रहे हैं, क्योंकि उस लेवल की फिनिशिंग नहीं है जैसी हम उम्मीद कर रहे थे। बहुत बड़ी मूवी है, 300 करोड़ बिग बजट, इसलिए मूवी से उम्मीद भी बहुत ज्यादा है। खैर स्टोरी शानदार मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, जो ये सेकंड ट्रेलर हिंट देकर गया है कि स्टोरी थोड़ा बहुत धमाका होने वाली है। बाबा मूवी वायलेंस गोर एंड दवा के एक्शन डिलीवर करने की बात कर रही है, एंड मास्किंग जूनियर NTR लुक्स टोटली सैविज, लेकिन एज विलेन सैफ अली खान भाई दमदार टैकल देखने को मिलने वाला है दोनों के बीच में। लेकिन शिकायत अभी भी वही है, विजुअल इफेक्ट पार्ट कमजोर है बाबा। वो शार्क वाला सीन दमदार है, लेकिन शार्क डॉल्फिन लग रही है, शार्क शार्क नहीं लग रही। ये समंदर, उसका पानी और जितनी भी सी एक्शन सी मोमेंट होने वाले हैं, ये थोड़ा फेड कर सकते हैं मूवी को, क्योंकि ट्रेलर में तो जहां तक पकड़ में ही आ रहा है। देखते हैं बाबा मूवी में क्या होता है। बाकी फर्स्ट ट्रेलर के मुकाबले सेकंड ट्रेलर ऑसम है, प्रॉमिसिंग है, फिर से कह दूं एक्शन दबा के मिलने वाला है। वो की और फर्स्ट डे फर्स्ट शो, क्योंकि बस 4 दिन बाद हमें ये मूवी मिल जाएगी, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे जब से इसका टीजर आया था। 27th ऑफ सितंबर बाई सिनेमा हाउस फटने वाला है। बाकी आपने भी ट्रेलर देख लिया है तो आपको ट्रेलर कैसा लगा और मूवी के लिए कितना वेट है, कितना एक्साइटमेंट है, नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।